15, 16 और 17 मॉडल का अगर कार आप ले लिए तो आपके साथ कुछ भारी नुकसान आपको झेलना पड़ जाएगा। खराब हो गया तो लगभग आपको 5 से 7 हज़ार रुपये का खसारा हो सकता है। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल शमशेर ब्लॉग्स। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करने के पर्पज आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाली है, ताकि सेकेंड हैंड सऊदी अरबिया के अंदर कार जो क्या अभी प्राइस चल रहा है, क्या रेट चल रहा है पियारिस और कोरोला, तो इसके अंदर आपको टोयोटा के कार के जो भी डिटेल मिलेगा। आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, ताकि जो कार हम आपको दिखाएंगे उस कार को आपको कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मिलेगा। ऐसा ना कि आप अच्छे से ना देखें और कॉन्टैक्ट नंबर आपके यहाँ से निकल जाए, फिर आप बोलते रहेंगे हमको कि भाई आप ऐसा करते हैं, गाड़ी तो सही दिखाते हैं लेकिन आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हैं, ताकि जबुन वाले से हम लोग बात कर सके, जो कि कार ऑनर से हम लोग डायरेक्ट बात कर सके अगर किन भाई को अगर चाहिए तो। लेकिन इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि वीडियो अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छे से वॉच कीजिएगा, ताकि आपको 1 by 1 कार का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा उसमें, ठीक है ना। तो और दोस्त, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम कार की क्या डिमांड है और क्या प्राइस चल रहा है, तो उस हिसाब से आप जाएंगे तो मेरे हिसाब से कहीं आप नुकसान नहीं हो सकता, आपको नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। और जब भी जाएं आप कार लेने के लिए तो एक बार अच्छे से वॉक अराउंड करें, अच्छे से सब इंजन वगैरह सब देखने के बावजूद अगर आपके साथ कोई अगर गाड़ी के बारे में ज़्यादा मालूमात वाला आदमी है, कोई टेक्नीशियन है, तो उसको मैकेनिक को आप ले करके जाइएगा तो अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर आपको पता नहीं, अगर कोई साथ में आदमी नहीं जा रहा है, तो ऐसा करें कि आप जाएं कार देख लें, उससे जो प्राइस आपको लग रहा है उचित उससे आप उसको फिक्स करें, और फिक्स करने के बाद बोले कि भाई कार हमको फास करवाना है, कार को फास करवा के ही ले, कंप्यूटर फास करवाइएगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कार कितनी परसेंटेज बची हुई, गियर मकीना कितना परसेंट अच्छा है। उसके बाद उसको ये पहले कंफर्म कर लीजिएगा, अगर कार फास पास करती है तो उसका फास का पैसा हम देंगे, अगर कार फास नहीं पास करती है तो उसका पैसा आपको देना हो। लग सके कि सेकेंड हैंड कार का वैल्यू अभी डिमांड क्या है सऊदी अरबिया के अंदर, चाहे आप जद्दा, मक्का, मदीना, ताबूक, हायल, दुबई, कहीं भी है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से आपको इतना कम से कम नॉलेज हो जाएगा कि भाई अभी कार का क्या डिमांड चल रहा है परजेंट। देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे फ्रेंड, ताकि इस वीडियो में आपको यारिस कोरोला और कैमरी मिलने वाली है। तो आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं आपको ये डिमांडेड कार जो आपको नज़र आ रही है, टोयोटा का कैमरी है, जो कि देख सकते हैं अभी आपका आउटसाइड प्रोफाइल आप देख रहे हैं साइड का, और देखिए कवर भी आपको 65% तक अभी अच्छा है कवर बोले तो, टायर आगे वाला भी टायर देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है, कुछ दिन तक गुजारा कर सकते हैं इस टायर के साथ, और आगे का फ्रंट आप देख सकते हैं ऐसे कंडीशन में है कार। तो फिर चलिए बात करते हैं कार ऑनर से कि क्या इसका डिमांड है और क्या प्राइस है, कितनी चली हुई है, गियर मकीना मुखैफ रनिंग कंडीशन में है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं ऑनर से और पता करते हैं कि क्या डिमांड, क्या प्राइस है और कितनी मॉडल है, कितनी चली हुई है। कम मॉडल सर, एक अल्फेन सीता सीता कम फलोस तमानिया तला तीन इंद्राइन भी कम गरीब है, यानी मुमकिन जी सोया ज़्यादा बाद इन अल्फेन सीतास। तो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं ये आपको कैमरी 2016 मॉडल है और इसका प्राइस आपको 38,000 रियाल मिल चुका है, इससे थोड़ा लगभग आपको ज़्यादा देना होगा तो फिर इस कार को आप परचेज कर सकते हैं। ये टोयोटा के कैमरी है और अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल A to Z आप देख सकते हैं प्रोफाइल इसका, इंटीरियर भी देखिए, सीट कवर वगैरह सब कैसा है, क्या कंडीशन में कार है, और ऑनर का नंबर मिलेगा, डायरेक्ट आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए आज का दूसरी कार का प्राइस जानते हैं और कौन सी कार है दूसरी कार। अल्फेन तीसा कम गलाम फलूस बता साल गियर मकीना मुख कुल्लू। तो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं आज की ये दूसरी कार भी आपको कैमरी होने वाली है, जो कि टोयोटा के कैमरी का खास करके डिमांड आ रहा था। तो ये कार, चलिए फिर ये कार आपको पता है कि ओवरऑल आप देख चुके हैं, और इस कार का आपको प्राइस है
2009 मॉडल है और इस कार का प्राइस है आपको 17,000 रियाल। और जिन भाई को अगर चाहिए तो नंबर मिलेगा वीडियो में, आप डायरेक्ट ऑनर से कॉल करके बात कर सकते हैं और ले सकते हैं कार। आई बात तो मैं थी बस आधा सिर्फ के बिंजी यानी आधार पास लेने दो माफी सिर्फ यानी आधा लाजी कितना मॉडल है दादा? 2008 पिन पिन किया है सब ना आदि यार इसको दादा आईडी में ये सब पेंट किया गया है ना। कितना मॉडल कितना पैसा मांग रहा है? मॉडल क्या है? मॉडल आरसी तमानी है। तमानी है, कितना पैसा मांग रहा है? 15,000 तो फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की ये तीसरी कार है जो कि यारिस, ये भी टोयोटा की है, खास डिमांडेड कार है जो कि नंबर वन पे अभी डिमांड में कार चल रही है। तो इसका प्राइस जो है आपको 2008 मॉडल है और इसका प्राइस 15,000 रियाल है। आप इंटीरियर भी देख सकते हैं, अच्छे कंडीशन में है। इस कार को रीपेंट कराया गया है, जो थोड़ा मोड़ा काम था काम करा दिया गया, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बिंजील डालना। और भाई कितना मॉडल है? 2004 कितना पैसा बोल रहे हैं? 17,000। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं आप, ये आज की ये तीसरी कैमरी होने वाली है जो कि 2004 मॉडल है और इसका प्राइस होगा आपको 17,000 रियाल देना होगा। आईडी में है ये, ऑटो में नहीं है। तो जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं, एक और आपको अमेरिकी कार आई है सेवरलेट की जो कि सोनिक है। आप बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं कैसे कंडीशन में, और इसका साइड लुक भी देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं अच्छी कंडीशन में। फिर चलिए बात करते हैं ऑनर कब बदल मदी कम बदल और फैन इतना कम ही यानी इतना कम करा तो मनता सर अदा ऑटोमेटिक था अरबा सिलेंडर बिंजील कैप सिरप सैमसंग क्रोला। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेवरलेट की सोनिक है जो कि 4 सिलेंडर में भी आती है। देखने में इसका ओवरऑल लुक जो बड़ी कंडीशन के बड़ी कार के शेप के जैसा बनाया गया है, लेकिन ये 4 ही सिलेंडर में है। और इसका जो मॉडल है ये 2012 मॉडल है और इसका प्राइस आपको 18,000 रियाल देना होगा और अच्छी कंडीशन में है। आप लुक वाइज आप देख सकते हैं, इसका चारों साइड हम आपको दिखा चुके हैं ओवरऑल, और इसका टायर भी आपको न्यू कंडीशन में है लगभग आप देख सकते हैं। और ये कार को आगे का थोड़ा कुछ जो है कि बम्पर में कुछ लग रहा है कि अलग से अपना एडिशनल कुछ काम किया गया है। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी की सेलेरियो जो कि अलग से तलबात के लिए आदमी एकदम बिल्कुल इसको बोले तो कैंडल लेके खोजते हैं, तो वही कार आपको हम लेकर के आए हुए हैं जो कि ताबूक के अंदर ये कार आई हुई है, गदीम सनैया के अंदर, और ये तलबात के लिए एक नंबर जानी मानी कार है जो कि छोटी कार है। आपको बिंजील तो बिल्कुल आपको पूछना ही नहीं कि क्या आपको माइलेज देगी और अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल 2012 मॉडल है, लेकिन इसका प्राइस वैसे ही आपको कुछ ज़्यादा भी है। मात्र ये कार चली हुई है
1000 किलोमीटर ये कार चली हुई है, आप देख सकते हैं। अलग से ये कार के अंदर जो भी इंटीरियर के अंदर जो सीट कवर के ऊपर प्लास्टिक लगाया गया है वैसे ही कंपनी वाइज अभी भी लगा हुआ है, और इसका टायर सिर्फ ये कार को स्टैंड बाई रखने की वजह से, खड़े होने की वजह से इसका टायर जो है ख़राब हो चुका है। ये टायर को लगभग आपको बदलना पड़ेगा, और नहीं तो आप चाहते हैं ऐसे कुछ दिन चलाने के लिए तो चला सकते हैं, लेकिन 2012 मॉडल है और 25,000 रियाल इसका डिमांड है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कार। और मेरे हिसाब से अगर जो भाई अगर ये कार को परचेज कर रहे हैं तो उनको लगभग 5 साल तक इसको कुछ नहीं करना। आप देखिए इंटीरियर देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एजेंसी से कार आती उसी कंडीशन में खड़ी हुई है, एकदम लुक वाइज आप देख सकते हैं अच्छी कंडीशन में है। लेकिन ये कार को आपको प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा कुछ ज़्यादा लग रहा है, इसलिए कि 12 मॉडल हो चुकी है, चाहे कितना हो कम चली हो, लेकिन इसका प्राइस जो 25,000 रियाल मेरे हिसाब से ज़्यादा होना हो रहा है। तो वीडियो में देखिए आप से ले रही हूँ, इसको बैक प्रोफाइल देख सकते हैं कितने अच्छे कंडीशन में, कहीं भी इसमें एक स्क्रैच तक नहीं है इस कार के अंदर, छोटी सी कार है बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, इसमें कहीं भी एक स्क्रैच वगैरह नहीं है आप देख सकते हैं। और जिन भाई को चाहिए तो एक बार ताबूक के अंदर एक बार ज़रूर विजिट करें, गदीम सरैया के अंदर ये कार मौजूद है। ओके फ्रेंड, तो फिर देखिए ज़्यादातर जितनी मार्केट के अंदर जितनी कार आई हुई है लगभग सबसे ज़्यादा जो जबून आ रहा है तो इसी कार के ऊपर आ रहा है, ज़्यादा कस्टमर अगर आ रहा है तो बस यही सैलरी के ऊपर आ रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दीजिए कि टोयोटा के मुकाबले इसका गता गैर जो है आपको थोड़ा महंगा हो सकता है आपको, इसलिए कि इसका प्राइस जो है, इसका सामान हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है, मिलेगा लेकिन आपको पहले तलब करना होगा, पहले ऑर्डर करना होगा, तो वही 1 से 2 दिन के अंदर आएगा। तो फिर आपको वो भी जद्दा रियाल से आता है और छोटे मोटे शहर में है तो वहाँ इसका पार्ट गदा गैर थोड़ा कम मिलता है। आप देख सकते हैं कंपनी वाइज जो स्टिकर लगा हुआ है बिल्कुल वैसे ही कंडीशन में अभी स्टिकर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड ये कार बिल्कुल आँख बंद करके लेने के लायक है कार, जो कि बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। कम मॉडल बदिर और फैन इतना कम फलूस तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं एक और यारिस जो कि आपको 2012 मॉडल है और ये ऑटोमेटिक में है, आईडी नहीं है, और इसका प्राइस 17,000 रियाल है आप देख सकते हैं, और ये कंडीशन में खड़ी हुई है, थोड़ा मॉडल लगी हुई हुई है साइड वेट से आप देख सकते हैं। लेकिन यारिस का कोई नहीं चलता है इतना सब, ठीक है ना, यारिस खास करके डिमांडेड कार है ना, इसमें जैसे वो भी यूज कीजिए फिर भी चल जाएगा, जैसे आप चाहें उसको फिर रीसेल वैल्यू आप रातों रात चाहें तो रीसेल कर सकते हैं यारिस को, बस एक इसमें यही प्रॉफिट है। और एक्सेंट के अंदर, और वो एक्सेंट में वो खास करके पुरानी वाली जो एक्सेंट है 2012 से पहले वाली। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं ये हुंडई की एक्सेंट आपको हम दिखा रहे हैं, 2015 मॉडल है और 18,000 रियाल प्राइस है, ऑटोमेटिक गियर में है। आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि कैसे जबून आ रहे हैं, जे कैसे कस्टमर लोग आ रहे हैं बहुत, इसके ऊपर मतलब एक के ऊपर एक आदमी चढ़ रहे हैं एक्सेंट के ऊपर। लेकिन एक्सेंट के अंदर एक खामी है, आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर खामी है। तो क्या है, अगर आप सेकेंड हैंड कार बाय कर रहे हैं तो अगर ऐसी कार है जो कि 15, 16 और 17 मॉडल का अगर कार आप ले लिए तो आपके साथ कुछ नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान आपको झेलना पड़ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि कौन कार आपको लेनी चाहिए और कौन नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कि खास करके हुंडई की एक्सेंट है जो कि 2015 और 2016 और 2017 ये जो मॉडल कार पहले जो आ रही थी वो आ रही थी सीबीडी गियर में। तो सीबीडी गियर का मसला है कि सीबीडी गियर अगर एक बार ऑटोमेटिक जो है वो अगर ख़राब हो गया तो लगभग आपको 5 से 7 हज़ार रुपये का खसारा हो सकता है, इसलिए हम अपने फ्रेंड को गाइड कर देना चाहते हैं कि फ्रेंड अगर कोई भी अगर आप
कार लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल एहतियात से कंप्यूटर फहस चेक और मैकेनिक के साथ ज़रूर जाएं, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।